गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए आज नो योर स्टेट के अंदर आज हम जिस यूनियन टेरिटरी को डिस्कस करने वाले हैं वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कल की वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको कुछ डिटेलिंग दी थी। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व के साथ और जो भी इससे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे न्यूज़ में रहते उसको कवर अप करते हुए इसको साथ में कवर अप करेंगे। तो ये इंडिया का मैप और यहाँ पे लोकेशन देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल में। तो अगर लोकेशन से पूछता है आपसे तो द्वीप बंगाल में बताइएगा, ठीक है। और एक तरफ हम इसके देखते हैं हिंद ओशन है और एक तरफ इसके द्वीप बंगाल है। इसको हम टू पार्ट में बांटते हैं, एक अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड। चलिए कुछ इसके स्टैटिक फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। जैसे इसकी अगर कैपिटल पूछी जाए तो वो क्या है, वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। और अगर आपसे इसकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर पूछेगा, मतलब ये कहाँ से इसका कार्यभार पूरा होता है या प्रशासनिक हेडक्वार्टर कहिए, तो भी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में ही है। अगर इसके गवर्नर यहाँ पे, मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे गवर्नर नहीं होते, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो चेतन भानु साहनी जो है यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी है। अगर यहाँ का स्टेट एनिमल देखिएगा तो डोंग है, जो यहाँ का स्टेट एनिमल है, डोंग को हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसकी बर्ड को देखेंगे तो उडन पिजन है, फ्लावर देखेंगे तो पी माया है। यहाँ के हमने स्टेट फ्लावर को देख लिया, ठीक है। अगर यहाँ के स्टेट ट्री को देखेंगे, मतलब राज्य की वृक्ष जो है वो क्या है, अंडमान पाडुक यहाँ का स्टेट ट्री है। अगर हम देखते हैं यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो अंडमान निकोबार में तीन डिस्ट्रिक्ट यानी तीन जिले पाए जाते हैं। लोकसभा से ये एक सीट ही कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट के लिए। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे ना विधानसभा है ना विधान परिषद है, याद रखिएगा अंडमान निकोबार में आपको ना विधानसभा मिलती है ना ही विधान परिषद मिलती है, और ना ही आपसे राज्यसभा से कोई भी सीट पार्लियामेंट में जाती है, तो सिर्फ एक जाती है, वो याद रखिएगा। मेजरमेंट मेजर जो एयरपोर्ट है वो अंडमान निकोबार एयरफोर्स है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नाम याद रखिएगा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। फिर है आपका सिमपुर एयर स्ट्रिप और है कामबिल बाई एयरपोर्ट। नेक्स्ट जो है मैंने अभी अपने आप बताया कि यहाँ पे ऑफिशियली लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश और हिंदी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है ना वह बंगाली है। और अगर टाइम जोन तो कभी पूछता नहीं है, हाँ ये जरूर पूछता है कि यहाँ पे जो जुडिशरी है यानी इसका हाईकोर्ट है तो नहीं, लेकिन हाईकोर्ट कहाँ जाएगा, तो ऐसा तो हाईकोर्ट होना चाहिए इसके आसपास, इसलिए जो चेन्नई उन्नई हो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसकी हाईकोर्ट कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है, यह पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने इनको तो देख लिया था, जो यहाँ के स्टेट सिम्बल्स हैं, एनिमल को भी देख लिया था, बर्ड को भी देख लिया था, है ना, फ्लावर को भी देख लिया था और ट्री को भी हमने देख लिया था इसको। तो एक बार फिर से इस पर नज़र डाल लीजिए आप, ये सारी इनके स्टेट हैं, या फिर आप इसको लिख के एक जगह चिपका लीजिए जैसे कि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि अभी एनटीपीसी में इन सब क्वेश्चंस को पुटअप किए गए हैं, ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिटरेसी अगर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिटरेसी क्या है, अकॉर्डिंग टू जो 2011 में सेंसस हुआ था तो 86.63 यहाँ पे पूरी टोटल लिटरेसी है, फीमेल काफ़ी, मेल और फीमेल में अच्छा खासा कवरेज है, 90 और 82 का कवरेज है, अच्छा है। और यहाँ पे नेशनल अगर पार्क देखते हो तो टोटल नेशनल पार्क यहाँ पे आपको बिलीव नहीं होगा, 9 नेशनल पार्क यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरिनायर नेशनल पार्क, रानी झांसी वाला पूछा गया है एक एग्ज़ाम में कि रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सैंडल पिक याद रखिएगा, फिर साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क ये भी पूछा गया है, क्योंकि
ये सबसे छोटा पूरे भारत का कह लीजिए या फिर अंडमान निकोबार का सबसे छोटा अगर कोई नेशनल पार्क है ना तो यही है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। फिर आपका महात्मा गांधी मेरीन वाला भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, इन सबको याद रखिएगा क्योंकि ये दो तीन जो है ना स्पेशली रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, मैरीन नेशनल पार्क, इनको तो दो को जरूर याद रखिएगा और सबसे जो छोटा है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये तीन को तो आपको याद होने चाहिए, बाकी तो आप पकड़ लोगे इनके नाम से कि ये अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखोगे तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना बहुत ज़्यादा है क्योंकि एरिया ही ऐसा है, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो टोटल पाई जाती है वो 96 पाई जाती है, टोटल 96, तो आपको इतने याद नहीं रखने, हाँ बस कुछ जो इम्पोर्टेंट है जैसे टर्टल आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टफ आइलैंड, फिर है आपका टूफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्री आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर आपका जैसे साउथ सेंटिया आइलैंड सेंचुरी जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए ये नीचे वाले, नीचे जो टॉप थ्री है ना उन्हें याद रखिएगा, जैसे कि सिस्टर आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नॉर्मल पूछेगा सिस्टर्स जो है आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है, और ये क्योंकि पूछा है किसी एग्जाम में कि ये सेंचुरी कहाँ पाई जाती है तो याद रखिएगा आप, ठीक है, तो इन जो टॉप नीचे के हैं याद रखिएगा, टोटल कितने ये जरूर याद रखिएगा, 69 टोटल, यानी पूरे भारत में कह लीजिए अगर सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है तो वो यहीं पाई जाती है। अगर हम इसके मेजर फेस्टिवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं अंडमान निकोबार में वो है बीच फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल और फूड फेस्टिवल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ मेजर हैं, आप इसे जरूर ध्यान में रखिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड इज ए ग्रुप ऑफ इंडल्जिंग डैश आइलैंड एंड स्टिल्स, तो यहाँ पे कितने सारे आइलैंड पाए जाते हैं, कितने, तो आपके पास ये चार ग्रुप हैं ए बी एन सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है इसका ए, अराउंड 572 आइलैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं और इसमें कितने रहने वाले हैं मतलब कितने हैबिटेबल हैं, तो 38 हैबिटेबल हैं। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेटेड अंडमान एंड निकोबार, मतलब अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो आपके पास ये चार ऑप्शन हैं 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, इंग्लिश चैनल या इंदिरा पॉइंट, तो आंसर क्या होगा 10 डिग्री चैनल। मैंने आपको बताया था कि 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान को निकोबार से यानी कार निकोबार को अलग करती है, ठीक है, और 11 जो डिग्री चैनल है उसको हम डंकन पैसेज के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखिएगा डंकन पैसेज किन दो अंडमान में बसा हुआ है, तो ये आपके कहिए साउथ अंडमान या लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में बसा हुआ है जिसे कि हम डंकन पैसेज कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट एनिमल अंडमान एंड निकोबार, अभी हमने बताया कि यहाँ का स्टेट एनिमल कौन है, तो डोंग जो है जिसे कि हम जेंटल सी काउ के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि इसका एनिमल यहाँ का स्टेट एनिमल किसे कहते हैं, तो बहुत ही शांत जीव है जिसे हम गाय सागर का गाय के नाम से जानते हैं, डोंग इसका नाम है, तो सिंपल है याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट ट्री, यहाँ का स्टेट ट्री क्या है अंडमान और निकोबार का, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार का जो स्टेट ट्री है वो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी इज अ करेक्ट, अंडमान पाकुड यहाँ का क्या है स्टेट ट्री है जिसको कि हमें कंसीडर रखना है, याद रखिएगा इसको हमने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ अंडमान निकोबार, अभी हमने बताया यहाँ का स्टेट बर्ड कौन सा है, आपके पास चार ऑप्शन है अंडमान सेपरेट ईगल, अंडमान क्रैक, क्राउन कॉल एंड अंडमान कुक पिजन, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर डी इज करेक्ट, यानी अंडमान वुडन पिजन यहाँ का जो है स्टेट बर्ड है, याद रखिएगा ये पॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डाले वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनली ट्राइब्स हु इज कंसिडर एज द मोस्ट आइसोलेटेड पेगमेलियन पैलियोलिथिक ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि पैलियोलिथिक जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, स्पेशली अंडमान निकोबार में, और ये कौन सी है। तो पैलियोलिथिक जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। ठीक है, ए जो है यानी जो सेंटियाल्स हैं, सेंटियाल ट्राइब्स, उसी को हम पैलियोलिथिक ट्राइब्स के नाम से भी जानते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होम टू वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड पैंथोलिटिक ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। तो ये कहाँ रहती हैं पैंथोलिटिक, अगर मैंने बताया कि अगर पैंथोलिटिक जो ट्राइब्स हैं जिसे कि हम सेंटियाल्स के नाम से जानते हैं, तो ऑफकोर्स ये सेंटियाल जो आइलैंड है वहीं पर ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, नॉर्थ सेंटियाल आइलैंड पे ये बसती हैं, इनका ये रहने का स्थान है। और ये ट्राइब्स का नाम याद रखिएगा जो यहाँ पे रहती हैं, और इनको किस नाम से जानते हैं, मतलब ये बहुत पुराने हैं और आज के नहीं है ये, तो इसलिए भी इसको इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ओनली ए एक्टिव वॉल्केनो नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो द होल ऑफ साउथ एशिया। यानी ये सिर्फ इकलौता इंडिया का ही नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया का इकलौता क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। तो कहाँ पर बसा हुआ है ये, तो ये है बैरन आइलैंड, यानी आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, हवलॉक आइलैंड का नाम तो आपको याद होगा कि इसको चेंज कर दिया गया, इसका नाम क्या रखा गया, स्वराज आइलैंड के नाम से रखा गया है। निकोबार और नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ सेंटियाल को उन्होंने जान लिया है। नेक्स्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ये तो पॉइंट आपको याद ही होगा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो उसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, यानी आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी हम देख लें, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज मैंगोल्डाई ओरिजन। यानी मैंगोडलाइन ओरिजन के कौन से थे ट्राइब्स जो अंडमान निकोबार में रह रहे हैं। आपके पास ये चार ऑप्शन है, इसमें से जो डी ऑप्शन है यानी ट्राइब्स सॉम्पियन ट्राइब्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं और कहाँ पे ये रहते हैं, दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मत भूलिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं, वो क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेलुलर जेल स्टार्टेड इन। यानी सेलुलर जेल जो है इसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं, ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1896 में बनाया गया था। तो याद रखिएगा यहीं पे बहुत सारे हमारे जो नेता हैं वो काला पानी की सज़ा जानते होंगे, सुने होंगे आप हिस्ट्री में कि काला पानी की सज़ा दी जाती थी, वो कहाँ पे था, तो अंडमान निकोबार में ही था, जिसे कि हम सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार। तो कितने टोटल नेशनल पार्क हैं, जैसे 4, 6, 9, 11, तो टोटल 9 नेशनल पार्क यहाँ पे पाए जाते हैं। हमने अभी इसको लिस्ट आउट भी कर दिया, आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है, आप उसे लिस्ट लिख के याद कर लीजिएगा, टांग लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। और जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है नेशनल पार्क, मैंने भी उसको इंडिकेट कर दिया, और जो पूछे गए हैं वो भी मैंने बता दिया है, तो प्लीज़ उसे रिमेंबर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ईयर द अंडमान निकोबार इज डिक्लेयर एज ए यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो किस साल जो यूनियन टेरिटरीज को डिक्लेयर किया गया था इंडिया का, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1956 में इसे हम डिक्लेयर कर दिए थे, यानी 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर 1956 को हम इसे यूनियन टेरिटरीज के रूप में कंसीडर करके इंडिया में इसे मिला लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या इम्पॉर्टेंट है, वो है विच आइलैंड कंटेन द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया। अभी मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो सिर्फ अगर ऐसे पूछे कि साउथ एशिया का सिर्फ इकलौता एक्टिव वॉल्केनो, तो ऐसा ना सोचिएगा साउथ एशिया हो गया तो क्या आंसर होगा, ऑफकोर्स इसका आंसर एक ही होगा, बैरन आइलैंड में ये बसता है, और ये कौन सा है, बैरन
वॉल्केनो है जो कि एक एक्टिव है और एकमात्र साउथ एशिया का है, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट, इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर इंडिया का पूछेगा तो भी यही है, साउथ एशिया का पूछेगा तो भी यही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच वन इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन अंडमान निकोबार, तो बंगाली, तमिल, इंग्लिश एंड हिंदी, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा तो जो बोली जाती है तो इंग्लिश मत मार के आइएगा, यहाँ पे बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, सरप्राइजली बंगाली बोली जाती है, करेक्ट, ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाउ फॉर मेनी ईयर्स द जापान डिड ऑक्यूपाई अंडमान निकोबार ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कहने का आंसर तात्पर्य है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तो जापान जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था हमारा अंडमान निकोबार को, तो कितने साल तक ऑक्यूपाई किया था? तो ये आपका 3 साल तक ऑक्यूपाई किया था, यानी 3 ईयर्स तक इसने हमारे अंडमान निकोबार पे राज किया था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाईएस्ट पिक ऑफ सैंडल, जो सैंडल पिक है उसकी हाईएस्ट पिक पॉइंट क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी जो इसका जो हाइट है वो कितना है, वो है आपका 732 इज अ करेक्ट, यानी आंसर नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, ये हाइट भी कभी कभी पूछ ली जाती है तो याद रखिएगा इसकी हाइट कितनी है, 732 इज 30 मीटर इसकी हाइट है सैंडल पीक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इस्टेब्लिश द फर्स्ट यूरोपियन कॉलोनी इन अंडमान निकोबार आइलैंड, मतलब कौन सा ऐसा यूरोपियन कॉलोनी, मतलब पहला यूरोपियन देश आया यूरोप कॉन्टिनेंट से जो कि अंडमान और निकोबार में अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश किया, कौन, ऑप्शन है इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस एंड स्पेन, तो आंसर होगा आपका इसका क्या, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी डेनमार्क सबसे पहले आया था अंडमान निकोबार में और इसने अपनी कॉलोनी भी इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप रिच अंडमान निकोबार आइलैंड इन विच ईयर, तो किस साल ये आया था यूरोपियन, जो है डेनमार्क अभी आया मैंने बताया, डेनमार्क के चाहे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बात एक ही है, तो ये आया था कब, 1712, 1739, 1755 एंड 1796, तो आंसर क्या, 1755 इसका करेक्ट आंसर, यानी आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट सर्व एज ए जुडिशरी ऑफ अंडमान निकोबार, कौन सा हाई कोर्ट है जो कि अंडमान निकोबार का भी केस देखता है, मद्रास, कोलकाता, उड़ीसा, कर्नाटक, तो आपको ऑप्शन में जाना है कहाँ पे, सीधे जाना है आपको कोलकाता हाई कोर्ट में, यानी कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार का केस देखती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो है, टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अंडमान निकोबार, वेरी टफ क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए कैसे कौन क्या क्या है, 68, 73, 86, 96, आंसर क्या है, आंसर नंबर डी, यानी 96 यहाँ पे क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इट्स इमेजिन करते रहिए, मतलब बहुत ज़्यादा है, ऐसे तो लगेगा ही नहीं, सबसे ज़्यादा यहीं पर है, ये भी बात है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है। चलिए कुछ करंट को देख ले, जैसे कि ये 7 दिसंबर 2019 का न्यूज़ है कि अंडमान निकोबार में जो यहाँ की पुलिस स्टेशन थी ना, इसको बेस्ट परफॉर्मेंस का मिला था, और अभी रिसेंटली कहाँ का मिला है, आज ही तो मैंने कल पढ़ाया था, कहाँ को मिला है, मेघालय, मेघालय है कि मणिपुर है, चलिए मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो मैंने ये बता दिया था, अभी याद रखिएगा। फिलहाल नेक्स्ट जो है हमारे करंट अफेयर्स से, वो क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने जुलाई में 7 जुलाई 2020 को यहाँ पे लाइट हाउस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लाइट हाउस इस्टेब्लिश करने की बात की है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो मुझसे मिले हैं, और इस तरह से तो करंट अफेयर देखिएगा, जैसे अभी हमने सुभाष चंद्र बोस जी के जब बर्थ एनिवर्सरी मनाया तो हमने अंडमान निकोबार के 2 आइलैंड को, रॉस को और हावलॉक को नाम चेंज कर दिया, मैंने बता दिया है, आप नोट डाउन कर चुके होंगे आई होप सो। फिलहाल मेरे को लगता है कि मैंने लगभग पॉइंट इसे कवर अप कर लिया अंडमान निकोबार से, तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस अंडमान निकोबार का, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आई होप आपकी वीडियो आप